हिस्ट्री ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विद्यालय को कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा संयोग प्राप्त था। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इसे भारतीय और विदेशी दोनों शासकों से अनुदान मिला। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा में प्रवेश के लिए बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। महायान बौद्ध के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान राज्य बिहार में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास एलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा इस बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेषों को खोजा गया। पूरा अभिलेख और सातवीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेमसांगा तथा इत्संग के यात्रा विवरण में इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्र को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेमसांगा ने अपने जीवन का एक वर्ष यहाँ पर छात्र एवं शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। राजा हर्ष के समय में इसका भ्रमण पोषण समोगाओं के राजस्व से होता था। हिस्ट्री ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा